दोस्तों सिर्फ एक पीस बेचकर आप कमा सकते हो 6,000 से 7,000 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि इन प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है पहली बात तो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है और मार्केट में नया प्रोडक्ट है। सर ने ये प्रोडक्ट इनोवेट किया है, उसमें बहुत सारा रिसर्च किया है और आज जो ये हमारे वीडियो के थ्रू फर्स्ट टाइम आप ये प्रोडक्ट देखने वाले हो, पूरे वर्ल्ड में पूरे इंडिया में आपने ऐसा प्रोडक्ट कभी भी देखा नहीं होगा। एक बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये इनके सारे प्रोडक्ट्स है। होम मिनिस्टर अमित शाह, सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन से ऐसे बड़े बड़े स्टार सर का जो ये प्रोडक्ट है वो यूज़ करता है। इसका मतलब सर का जो प्रोडक्ट है ये बहुत यूनिक है, एक्सेप्टेबल है मार्केट में और आप भी इसे अपने शहर में लॉन्च करके एक अच्छा खासा मार्केट जमा कर एक अच्छी खासी पहचान मोनोपोली बिजनेस अपने शहर में शुरू कर सकते हो। सर ज़रा हमारी व्यूअर्स को बताइए कि आपने ये जो इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है, जो आप दावा कर रहे हो कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई ऐसा इनोवेशन नहीं, कोई ऐसा किसी ने रिसर्च नहीं किया, सिर्फ मोनोपोली आपने करके रखी है, तो वो क्या है जरा समझाइए और कैसे शुरुआत हुई? ओके, हम यहाँ पे सूरत में हैं, तो मेरा नाम भरत परमार है, हमारी कंपनी का नाम श्याम इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड है। तो हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है, तो आज मार्केट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जाम्पल कि विश्व के अंदर 80% जो फायर होता है, आग लगती है, तो वो आग चूहे की वजह से लगती है। क्या आपको पता है क्यों चूहे की वजह से आग लगती है? क्योंकि फॉल सीलिंग्स रहते हैं, तो फॉल सीलिंग में चूहे घुस जाते हैं और वहाँ पे मतलब दो वायर काट देते हैं और शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसकी वजह से आग लगती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल सर्च कर लीजिए, उसके अंदर अमेरिकन पेस्ट ऑर्गेनाइजेशन करके एक संस्था है, वो बोल रहा है कि विश्व के अंदर 80% जो फायर केस होते हैं वो चूहे की वजह से होते हैं और वो रियल फैक्ट है। और दूसरा भी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि चूहा कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री में वायर काट देता है, तार काट देता है, समझो कि किसी का प्रिंटिंग मशीन हो, 5-6 करोड़ का प्रिंटिंग मशीन रहता है बड़ा, रोलैंड का, सब अलग अलग कंपनी का, तो उसमें चूहे घुस जाते हैं, एक दो तार काट दिए या फिर कार्ड शॉर्ट कर दिया तो बहुत नुकसान हो जाता है। तो कोई भी मशीनरी पकड़ लो, MRI, सिटी स्कैन, डॉक्टर्स की मशीनरी पकड़ लो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में उसके जो टाइप्स पड़े रहते हैं, जब दवाई वगैरह पड़े रहते हैं, वो भी काट देते हैं चूहे। तो चूहा ईच एंड एवरीवेयर, पूरे वर्ल्ड में चूहे का प्रॉब्लम है ही। जब हम बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं तो उसमें पैसा भी ज्यादा मिलता है और वो स्केलेबल भी होता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में उसको लोग एक्सेप्ट कर देते हैं क्योंकि सबको प्रॉब्लम है ही। ओके, हमने ये मशीन कई सारे इंडस्ट्रीज में लगाए हैं और वो सभी के पॉजिटिव फीडबैक्स लेटर्स भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को दूंगा। 10 ऐसे नंबर भी आपको दे सकता हूँ कि आप उसको कॉल करके हमारी कंपनी के बारे में पूछ सकते हो कि भाई ये मशीन लगाने से फ़ायदा रियल में हुआ है या नहीं हुआ है। और दूसरा कि हमने ये मशीन होम मिनिस्टर अमित शाह है हमारे जो गृह मंत्री है, उसके घर पे, उसके बंगलों पे भी लगाया है अहमदाबाद के अंदर। अमिताभ बच्चन भी हमारा प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा है, उसके पार्किंग में गाड़ी का वायर काट दे रहा था तो उधर भी लगा, और कई सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं उधर भी हमने ये चूहे की मशीन लगाया, प्लस कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया हमें रिसेंटली एक पीओ मिला है, जो प्लेन हमारे है एयरफोर्स के, जो तेजस राफेल, वो उसके जो पार्किंग रहते हैं प्लेन के शेडेड, मतलब शेड वाले पार्किंग, उधर भी चूहे घुस जाते हैं क्योंकि वो तो जंगल विस्तार में ही रहता है पूरा, तो उसमें घुस जाते हैं। कैंट, अंबाला कैंट है, फिर पीसियाना करके कैंट है, मतलब ये अपना भटिंडा, तो उधर भी वो लोग लगा रहे। उसका परचेस ऑर्डर लेटर और पॉजिटिव फीडबैक लेटर सब मैं आपको मतलब दे सकता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बिजनेस के लिए तो मैं आपको सब ईमेल फॉरवर्ड्स भी कर सकता हूँ विद फोटोग्राफ्स एंड प्रूफ। सचिन तेंदुलकर की पार्किंग में भी हमने ये मशीन लगाया, फरारी कार है उसकी और उसका वीडियो भी मैं डाल दूंगा। सही है, सही है। तो इससे तो पता ही चल जाता है कि आपका पोर्टफोलियो इसलिए स्ट्रांग है, इतने लोगों की डिमांड है क्योंकि वो प्रोडक्ट वर्क करता है। Yes. इसका मतलब यही है। यस यस। तो सर जरा बताइए, जो मशीन आपने इनोवेट किया रिसर्च करके, तो ये कैसे काम करता है, कैसे आप दावा कर रहे हो कि जो चूहे है आजू बाजू के वो भाग जाते हैं? ओके, ये जो हमारा प्रोडक्ट है चूहे का, उसके अंदर 300 टाइप्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। अच्छा। और अदर प्रोडक्ट से वो अलग है क्योंकि ये मार्केट में तो सर बहुत सारे ऐसे है, मतलब तो इसमें क्या फर्क है? ये एक्चुअली अदर जो प्रोडक्ट्स है चाइनीज प्रोडक्ट, उसमें चूहा एडिक्टेड हो जाता है। अच्छा। मतलब 15-20 दिन यूज किया तो फिर वो उसको आदी हो जाता है। हम कैसे कि कोई सिगरेट पिएगा या फिर तंबाकू खाएगा
तो 15 दिन तक तंबाकू खाएगा तो 16वें दिन उसको तंबाकू चाहिए, ठीक है। तो सेम थिंग्स चूहे में भी ऐसा होता है कि उसको वो एडिक्टेड हो जाता है, लेकिन ये जो मशीन है उसमें 300 टाइप्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी वो चेंज होती ही रहती है। अच्छा। तो चूहे को एडिक्टेड नहीं होने दे पाएगी। अच्छा। दूसरा ये है कि इसके अंदर रसल वाइपर करके स्नैक है, वो हमने 10 लाख का तो स्नैक लिया था गवर्नमेंट परमिशन लेके। हाँ। तो उसका पूरा रिसर्च करके उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर मतलब उसको रिकॉर्ड किया और फिर आपने इसमें डाला हुआ है। तो उससे क्या होता है, चूहा कंटिन्यू इरिटेट होता है, मतलब केबल काटने को जाए दूर हट जाता है, वो काट नहीं पाएगा। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि चूहे का मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो महीने में 6 बच्चे रखता है, तो वो बच्चा देना बंद हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इससे क्या है, फ्रीक्वेंसी उसको इरिटेट करने लगेगी तो वो उसका ध्यान उसमें रहेगा नहीं। हाँ। तो वो भी मतलब कम हो जाएगा और धीरे धीरे वो चला जाएगा, तो उसको नहीं रहने लायक एटमोस्फियर वो बना देगा आपके प्रीमाइसेस में। अच्छा। वो चला जाएगा। दूसरा, ये इंसान को कोई हार्मफुल नहीं है। हाँ। क्योंकि हमने बहुत सारी हॉस्पिटल्स में लगाया है, वो हमें कोई हार्म नहीं करने चाहिए। हमने बहुत सारी हॉस्पिटल में भी लगाया, इवन आईसीयू रूम में भी लगाया ये मशीन। अच्छा। और उसके पॉजिटिव फीडबैक लेटर्स है, निर्मल हॉस्पिटल, सनशाइन ग्लोबल हॉस्पिटल जो इंटरनेशनल लेवल के हॉस्पिटल्स है उसके लेटर्स हमारे पास है, वो हम आपको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके। तो हमने पूरा वीडियो बनाया है कि चूहा एक साइड होगा पिंजरे के अंदर और साइड में मशीन चालू होगा। हाँ। तो मतलब चूहे पे कैसा रिएक्शन होगा, उसके कान ऊंचे हो जाएंगे, वो भागने की कोशिश करेगा, और फ्रीक्वेंसी सेट कर दिया तो तुरंत चूहा फ्रीक्वेंसी 0 और वॉल्यूम थोड़ा 5 या 6 पे हमने सेट किया। हाँ। तो तुरंत चूहे का जो रिएक्शन है वो चेंज होने लगा और वो मतलब इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा, पिंजरे में ऊपर चढ़ने लगा, नीचे उतरने लगा है। तो सर, ये जो मशीन का जो मार्केट है ये कहाँ का है, ये कहाँ का बेच सकते हैं, वो जरा समझाइए। ओके। कुल मिला के मैंने जो रिसर्च किया है पूरे इंडिया के अंदर, वैसे तो इंडिया नहीं मैं वर्ल्ड बोल सकता हूँ, 18,000 करोड़ का मार्केट है पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री का। तो इसका जो मार्केट है वो पूरे विश्व के अंदर है, सभी इंडस्ट्री के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊँ तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पकड़ लो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पकड़ लो, किराने की दुकान पकड़ लो, या फिर ब्यूटिशियन जो इंडस्ट्री है वही पकड़ लो, या फिर व्यापारियों की इंडस्ट्री मतलब माल गोडाउन है वही पकड़ लो, एक टू जेड इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री, मतलब समझो ना टिंग से लेके टोंग तक सभी इंडस्ट्री के अंदर ये सब यूज हो सकता है मशीन। सही है, क्योंकि चूहा एवरीवेयर। राइट। तो सर, अभी जैसे आपने बताया कि जब हम लोग ये मशीन लगाते हैं तो चूहे है जो भाग जाते हैं, राइट, हमारे एरिया से भाग जाते हैं, बट जो ऑलरेडी अंदर चूहे है, घर के अंदर चूहे है, राइट, तो अगर हम लोग हमारा फॉर एग्जाम्पल ये शटर बंद कर दे या फिर पैक्ड रहे, उनको निकलने की जगह ही नहीं है चूहों को, तो वो कहाँ से भागेंगे? का बहुत बढ़िया सवाल है कि फॉर एग्जाम्पल कोई बेकरी शॉप्स है वगैरह, तो रात को तो वो सब पैक होता है, तो भाग के चूहे जाएगा कहाँ, या फिर गोडाउन में ऐसा होता है। तो हमने एक स्पेशल डिजाइन ट्रैप बनाया है और ट्रैप रख के ये मशीन फुल ऑन कर दो तो सब चूहे उस ट्रैप में आ जाएंगे, फिर उसको जिंदा बाहर छोड़ सकते हो। तो कुल मिला के आप जो कस्टमर है उसको बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा। तो पूरे इंडिया में हम मशीन के साथ वो ट्रैप भी फ्री में देते हैं, उसका। अच्छा। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते, वो इसके साथ ही आ जाता है। तो सर, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारे व्यूअर्स को अपने शहर में ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, ये प्रोडक्ट उनके शहर में लॉन्च करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, आपसे कैसे जुड़कर बिजनेस कर सकते हैं, वो जरा समझाइए। ओके। ये दो मशीन की किट रहती है। अच्छा। उसके अंदर ट्रैप्स प्लस दो मशीन आता है। हाँ। प्लस ब्रोशर्स आता है और गाइडलाइंस आती है कि भाई, और FAQ लिस्ट आता है। तो FAQ लिस्ट में 110 सवाल की लिस्ट है कि कस्टमर आपको कैसे कैसे सवाल कर सकता है और आपको कैसे उसको हैंडल करना है और कैसे हाउ टू डील विद द कस्टमर्स। तो वो पूरा हमने एक बुकलेट बनाया है। Right. वो आप पढ़ोगे 24 घंटे में वो आपको पूरा नॉलेज बिजनेस का मिल जाएगा, तो आप आसानी से बिजनेस कर पाओगे। और मेन इन्वेस्टमेंट कितनी है? 22,000 इंक्लूडिंग GST। अच्छा। 22,450 इंक्लूडिंग GST। अच्छा। तो सर, अभी मैं इससे कितना कमा सकता हूँ, मतलब एक मशीन के पीछे मार्जिन कितना है और ये कितने तक बिकता है मार्केट में, मतलब कस्टमर को हम लोग कितने तक बेच सकते हैं? नियर अबाउट MRP इसकी 18,000 प्लस 18% GST है, जो कॉरपोरेट इंडस्ट्री वाले लेंगे बहुत बढ़िया मतलब काम होगा, और नियर अबाउट 15-16 में डील हो जाता है, तो पर मशीन 6,000 से 7,000 रुपीज प्रॉफिट मिल जाता है पर मशीन 6,000 से 7,000। यस यस। तो अगर आप कोई रैट रिपेलेंट मशीन रसल वाइपर आपके शहर में लॉन्च करना है, और सर ने जैसे बताया अलग अलग प्रोडक्ट्स वो भी आपके शहर में लॉन्च करना है, तो सर के कंपनी का नंबर मैंने स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो।
थैंक यू सो मच. थैंक यू.